बस हाउ वी आर सपोज टू गेट सिलेक्टेड, हमें क्या करना चाहिए हमारा सिलेक्शन इंटरव्यू में जरूर हो। तो मैं आज आपको कुछ बिहेवियर पैटर्न बताऊंगा, कुछ बॉडी लैंग्वेज स्टेप्स बताऊंगा, कुछ जेस्टर्स एंड पोस्चर्स बताऊंगा जो हमें इंटरव्यू में सिलेक्ट करेंगे। सी देयर इज अ बिग पैनल इन फ्रंट ऑफ अस और हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा कैसे अपने आप को सिलेक्ट करवाते हैं आज हम ये सीखेंगे। तो लेट अस सी कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन इंटरव्यू में जल्दी हो और अगर कॉम्पिटिशन भी हो तो एटलीस्ट हमारी जो रैंक हो सबसे ऊपर हो। तो विल सी that we know very well students that we have to carry one file in our hands and we have taught you many times, हमने आपको अपने पुराने lectures में बहुत बार समझाया है कि आप अपनी file को हमेशा left hand में रखेंगे, इसको पकड़ने का pattern ये होना चाहिए ताकि opener ऊपर की तरफ रहे और आपका pattern कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए, isn't it? अब देखिए जब हमारी बात आती है कि हम क्या special करते हैं हमारे gestures postures से कि हमारा selection जल्दी होता है। तो let us see, my team is there, my interviewers are there in front of me and today I am an interviewee and I'll show you that what we are supposed to do during an interviews taki hamara selection zarur ho. So let us see friends, dekhi sabse pehle to friends main aapko bata dun ki aapki jo filing ka pattern hai wo bilkul ye rehna chahiye. Two modes we have for girls, there are two options, they can carry like this also and they can carry like this also, but for males they have to carry like this only, they have no other options. So dhyan rakhiyega is baat ka bhi. Ab hamari walk ki baat karte hain, jab kabhi hum walk karte hain to dekhiye jab hum yahan se aate hain इस पैटर्न से तो हमने नॉकिंग किया, नॉकिंग भी शायद मैंने आपको काफी बार समझाया है कि नो कमीशन नोज की इक्वल हो, सब कुछ आपको आता है, जस्ट आपको कुछ नया रिहर्सल में आपको से करवाना चाहता हूं। दैट इज व्हेनेवर वी आर कमिंग, तो हम एक बात का ध्यान रखिए, तो जस्ट आई वांट द कैमरा टुवर्ड्स माय साइड एंड ताकि मेरे एटलीस्ट मेरे व्यूअर्स देख पाए। देखिए जब आप वॉक करके चलते हैं और इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, इंटरव्यूअर्स तक पहुंचते हैं, वो जरूर आप इंटरव्यूअर्स को नहीं देखेंगे, आप इस बात का ध्यान रखो। आप कभी भी ऐसे नहीं चलेंगे, मेरा गलत वे देखो जरा ताकि आपको सही वे भी समझ में आए। तो देखिए मैं आपको चल के दिखाता हूँ जो गलत वे होता है जो बच्चे करते हैं। देखिए अब ये इंटरव्यूअर्स है और मैं इंटरव्यू, तो मैं देखो गलत वे में कैसे चल के आता हूँ। मॉर्निंग मैडम, तो देखिए मैं आया जरूर पर मेरा पैटर्न जो आने का था वो आइस था, वो सबसे डायरेक्ट इनसे कॉन्टेक्ट में था, मैंने ब्रेक ही नहीं लिया आइस में, तो देखो रेस्पेक्ट का दिखाऊंगा मैं। तो द फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू नीड नॉट टू मेंटेन द आई कॉन्टेक्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट व्हेन यू ओपन द डोर। तो आप इस बात का ध्यान रखो कि आपको आई कॉन्टेक्ट तभी करना है जब आप रीच कर जाओ, अदरवाइज एक बार और आई कॉन्टेक्ट करना है जब आप उनसे अंदर आने की परमिशन लेते हो, उसके बाद आप डायरेक्ट वहां पर पहुंचो और उसके बाद ही आप उन्हें बोलो मे आई प्लीज हैव गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग व्हाटएवर देयर इज। तो लेट अस सी, अब मैं दोबारा आगे दिखाता हूं आपको दैट व्हाट इज द राइट पैटर्न। देखिए अब मैं चल के आ रहा हूं और मैंने अभी आपके आईज में नहीं देखना, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। मैं आया और मैं यहां पे आ गया, राइट। अब मैं आपको विश करता हूं, तो मैं आपको बोलता हूं गुड मॉर्निंग मैम्स। अब सारे मैम्स हैं तो इसलिए मेरे को गुड मॉर्निंग मैम्स बोलना है, अगर यहां पर एक टीचर होता, एक मेल पर्सन होते तो मुझे बोलना होता गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम्स, गुड मॉर्निंग सर। यानी कि आपको मेल फीमेल में डिफरेंशिएट करना है मगर नंबरिंग में डिफरेंशिएट नहीं करना, चाहे 3 मेंबर हो चाहे 10 मेंबर हो, आपको सिर्फ यही करना है कि अगर मेल एक्स्ट्रा है या फीमेल एक्स्ट्रा तो आप डिफरेंट डिफरेंट इनको विश करोगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। अदरवाइज आपको क्या करना है, एक साथ ही सबको करना है, अगर सिर्फ मेल्स है सारे या सिर्फ फीमेल्स है तो आप सिर्फ इनको बोलेंगे गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। अब देखिए जब आपके आने का पैटर्न आता है तो आप बहुत से लोग क्या करते हैं, इनकी टेबल को कवर कर लेते हैं, यानी कि इनकी टेबल पे अपनी फाइल रख देते हैं, कैसे भी रख दो, यू रख दो, यू रख दो, हर चीज ही गलत है। यानी कि अगर आपने यू भी अपनी फाइल बहुत तहजीब से रखी है तो भी वो गलत है, अंटिल अनलेस वो आपको कहे ना, अगर वो आपको कह देते हैं इंटरव्यू के दौरान कि हाँ अपनी फाइल आप टेबल पे रख दीजिए तो आप रख सकते हैं, उसको भी रखने का पैटर्न समझ लीजिए। जब आप अपनी टेबल पे रखेंगे तो आपका पैटर्न हमेशा ये होना चाहिए और इस तरीके से आप अपने हाथों को रख लेंगे। पर मान लीजिए आपको पैटर्न नहीं पता, राइट, अब आपको पैटर्न तो पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो देखिए आपका जो आने का जो वे होगा वो ये होगा कि आपने अपनी फाइल को पकड़ा और अब आप अपनी फाइल को अपने पास ही रखिए और अब आप उन्हें विश करते हैं गुड मॉर्निंग मैम्स। अब आप बैठने के लिए ऑब्वियस है ये आपको बोलेंगे, ये आपको बोलेंगे हैव योर सीट प्लीज, राइट। तो डेफिनेटली आपका जो पोस्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि चेयर्स पे बैठने से ही पता लग जाएगा ये व्यक्ति किसके डार्क है। देखो कुछ लोग तो बिल्कुल भी चेयर को पकड़ने के लिए तरीका ही नहीं मिलता, कुछ लोग यहां से पकड़ लेते हैं, कुछ लोग यहां से पकड़ लेते हैं, कुछ लोग ओवरऑल चेयर को पकड़ लेते हैं, तो सभी बैड है। आप हमेशा ध्यान रखो कि आपका जो चेयर्स का पैटर्न है वो हमेशा ये रहेगा, आपके हाथ में फाइल अभी यहाँ थी, आप हल्का से लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल यहाँ फील कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ रखिए अपने हाथ को, हल्का सा आप पीछे रखिए अपनी चेयर, राइट। उसके बाद आप आकर बैठते हैं, जब आप आकर बैठे तो बहुत बच्चे क्या करते हैं अपने लेग्स को बिल्कुल बैक साइड ले जाते हैं, तो वो नहीं ले जाए क्योंकि बहुत से इंटरव्यूज में टेबल काफी दूर होती है तो हमारे लेग्स तक हमारी शो हो रही है, उस दौरान अगर हम लेग के ऊपर लेग रख रहे हैं या पांव अंदर रख रहे हैं तो सारी बैड मैनर्स है, तो हमें उस बात का ध्यान रखना है। अब हम मान लीजिए हम बैठते हैं तो हमें कैसे बैठना, जब हमने फाइल ऐसे रखी हमारा बैठने का पैटर्न चल रहा है
तो हमने क्या किया, हल्का सा पीछे गया और उतना ही गैप लेना जितने में आप आ जाए। अननेसेसरली आपको बहुत बड़ा गैप नहीं लेना, क्योंकि वापस आते समय इट लुक्स बैड व्हेन यू डू लाइक दिस, इट लुक्स वेरी बैड। तो आपको ध्यान रखना कि आपको उसमें कोई कमी नहीं रखनी, आपका जो आने का पैटर्न है वो यही रहेगा। आपने हल्का सा इसको लिया, कई बार चेयर्स भी अलग अलग तरीके की हो गया, मान ली बहुत हैवी सोफा सेट है तो आप से नहीं उठाया जा रहा और मैंने आपको बोल रखा है इसको उठाना है, तो आप इंटरव्यू को थोड़ी ना बोलोगे आओ मैडम प्लीज कॉपरेट करना इसको पीछे करें, ऐसा नहीं हो सकता राइट। आपको क्या करना होगा, आपको खुद को ही अपनी एनर्जी लगानी होगी और ये देखना होगा कितना मैं उसको कर सकता। अब देखिए मान लीजिए सोफा है, आपको पता है मुझसे हैवी नहीं मिलेगा, मत दिलाओ, जस्ट हैंड रखो, हल्का सा रेस्पेक्ट दो और बैठ जाओ, क्योंकि आपको मालूम है मुझसे नहीं मिलेगा। तो डिपेंड करता है चेयर का पैटर्न क्या है, जब आपका चेयर का पैटर्न ऐसा कुछ कुछ हो तो आप हल्का से इसे टिल्ट कीजिए। अब आप बैठिए, बैठने से पहले अपनी फाइल का हमेशा ध्यान रखो, जब तक उन्होंने आपको बोला नहीं है तब तक आप अपनी फाइल को हमेशा अपने लैप में रखिए, दिस इज द बेस्ट वे। अब देखिए इंटरव्यूअर कभी कभी आपसे हैंडशेक करेंगे, तो देखो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि इंटरव्यूअर को खुद आपको जाकर हैंड कभी नहीं देना, आपको ये नहीं कहना कि अब देखिए ये मुझे खुद अपना हैंड दे रहे हैं, अगर ये खुद हैंड दे रहे तो आई एम रेडी टू हैंडशेक, थैंक यू मैम, और आप हैंडशेक कर रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम राइट। मगर मान लीजिए कि आप जाकर हाथ देते हैं पहले तो इट लुक्स बैड, मतलब वो सीनियर है और अगर हम अपना हाथ उनको देते हैं जाकर गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग मैम तो इट लुक्स बैड। तो आपको ये बात का ध्यान रखना कि इंटरव्यूअर अगर आपको हैंडशेक करे तो आप रेडी रहो हमेशा, मगर जब इंटरव्यूअर आपको हाथ नहीं दे रहा है और तो आप ऑब्वियस आप बड़े कॉमन रहिए, यहां तक के सीमित रहिए, उन्निवेश कीजिए, अपनी जगह पर आइए और अपनी सीट का पैटर्न चेक कीजिए। अब जब आप आते हैं चेयर पे तो आपने हल्का सा गैप किया जितने तक आप इजीली पैटर्न में आ सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स बैठने का जो वे है, जो पैटर्न है वो ये रहेगा। अब मैं आकर इस चेयर पे ऐसे करके बैठ गया हूं और मैंने कुछ कुछ अपनी फाइल को यहां रख लिया। तो हमने बहुत बार ये बात सीखी है कि अपने हाथ हमेशा लैप पे रखेंगे, हमने अपने हाथों को लैप पे रख लिया। हाँ एक थोड़ा सा आपको क्लू देना होता है इंटरव्यूअर को कि मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि मैं इंटरव्यू के लिए आ चुका हूं और अब मैं रेडी हूं, तो आपको कुछ कुछ हल्का सा बोलना था, जी मैम, यस सर, थैंक यू मैम। आपने एक हिंट जरूर देना है इंटरव्यूअर को कि यस दिस टाइम आई एम रेडी फॉर एन इंटरव्यू, तो आपका वो हिंट कोई भी हो सकता है, व्हाटएवर हिंट यू चूज। अगर आप बोलते हैं थैंक यू मैम्स और आप शुरू करते हैं ऐसे अटेंटिव हो जाते हैं, इसका मतलब मैं रेडी हूं इंटरव्यू के लिए। इवन आप बोलते हैं मैम्स तो ये भी रेडी है, इवन आप अगर फीमेल मेल बैठे हैं तो आप बोल सकते हैं सर, इसका मतलब आई एम रेडी। मगर बोलने में जो वे है वो आप ये नहीं बोल सकते सर मैम्स, ऐसे नहीं बोल सकते, वो मीनिंग हो गया आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग इंटरव्यूज, आपने पहली पोर्शन को जितना पीछे कर सके करें, जितने अच्छे से आप बैठ सकते हैं बैठ जाएं, उसके बाद आप बार बार हिलेना। इंटरव्यू के दौरान अगर आप ऐसे 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 करते रहोगे सारे इंटरव्यू में तो इट लुक्स बैड। तो आपको ध्यान रखना है कि एक बार आपने जो पैटर्न बना लिया वो पैटर्न ही मेंटेन करना। अब मान लो आपने अपना पैटर्न ऐसा बना लिया और हैंड्स को ऐसे रख लिया, अब आपने हैंड्स को ऐसे रख लिया राइट, अब आप बोल रहे हैं थैंक यू मैम, अब ये स्टार्ट करेंगे अपनी बात को राइट। उस दौरान मान लीजिए अगर इनका सेंटर पर्सन स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि हो सकता है यही पर्सन हेड हो इसमें, तो मेरे को एक बात का ध्यान रखना है व्हाइल आंसरिंग मैं इनको ज्यादा देखूंगा, मगर इन लोगों को मैं इग्नोर नहीं करूंगा। कई बार ऐसा ऐसा होता है कि मेरे एक स्टूडेंट एसबीआई का इंटरव्यू देने गए थे एंड ड्यूरिंग इन इंटरव्यूज उनका एक जो इंटरव्यूअर था ही वाज सिटिंग जस्ट बिहाइंड दैट पोर्शन एंड यू एज्यूम कि उसको कितनी प्रॉब्लम हुई होगी बच्चे को, मगर उसको मैंने सिखा रखा था कि तुम्हें उसको इग्नोर नहीं कर रहा। तो ड्यूरिंग इन इंटरव्यूज उसने काफी बार एक दो बार टर्न अप किया, उनकी तरफ नोटिस नोट किया और अपनी बात को कहा, तो इट लुक्स गुड कि उन्होंने उस पर्सन को इग्नोर नहीं किया। अब मान लीजिए मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं इनको ग्लांस करूंगा बीच बीच में और इनको भी ग्लांस करूंगा, उसके साथ में ज्यादा इनकी तरफ ध्यान दूंगा। जब मैं इनकी तरफ ज्यादा ध्यान दूंगा डेफिनेटली ये मुझे ज्यादा मार्क्स गेन करूंगा मैं। अच्छा कुछ बातें इंटरव्यू के अंदर आपको बहुत ध्यान से रखनी पड़ती है। देखिए मान लीजिए इन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा, तो बहुत से लोगों के बारे में को अपने बारे में ज्यादा नहीं पता होता। इवन मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि आप अपने बारे में 20 लाइन लिख के दिखाओ, एक बार आप शॉक हो जाओगे कि मैं 20 लाइन अपने बारे में शायद नहीं आएगी। आप ही गई तो 50% बच्चों की उसके अंदर फैमिली होगी, वो ज्यादातर लोग क्या करेंगे अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा बताने लगेंगे। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है जब इंटरव्यूअर आपके बारे में पूछे तो यू शुड टेल मोर अबाउट योरसेल्फ रादर देन अबाउट योर फैमिली, तो आपको फैमिली को अवॉइड करना है। अब आप बोलेंगे सर फैमिली को अवॉइड करने का बेनिफिट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि फैमिली एक दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, उसे इतनी जल्दी मत जाने दो। और इंटरव्यू का एक गोल्डन रूल होता है कि जो भी क्वेश्चन वो पूछता है वो मार्क्स देने के लिए बाउंड होता है, तो लेट हिम आस्क। और ऑब्वियस अगर आप अच्छे कैंडिडेट हो और आप में अंदर गट्स है तो ऑब्वियस वो आपसे जरूर पूछेगा कि टेल अबाउट योर फैमिली, और वो सेपरेट पूछेगा, और सेपरेट पूछेगा तो आपको मार्क्स जरूर गेन करेगा। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि ड्यूरिंग एन इंटरव्यू और खासकर इंट्रोडक्शन के अंदर हमें अपने बारे में ज्यादा बताना है रेदर देन आवर फैमिली, तो हमें फैमिली को अवॉइड करना है अपने बारे में बताना। हाँ फैमिली के बारे में जब पूछा जाए तो जरूर अपने बारे में बताइए। फिर कई बार बात आती है स्वॉट की, देखिए एक वर्ड होता है स्वॉट एनालिसिस SWOT, ये इंटरव्यू का सबसे गोल्डन पैटर्न होता है। अगर आप ये समझ जाओ तो आप दुनिया का कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। देखिए स्वॉट में क्या होता है, स्ट्रेंथ्स
डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी, टी से थ्रेट्स। तो ऐसे जो स्ट्रेंथ्स है वो आप अबंडेंस रखो अपने अंदर, मगर वो झलकनी भी चाहिए। मगर अगर आप ऑनेस्ट कह रहे हो अपने आप में और आपकी आईज से फ्लक्चुएट हो जा रही है और आप कह रहे हो ऑनेस्ट 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 और आपकी आईज से शैतान बच्चे इसे भी पत्थर मार के ना शीशा तोड़ के दौड़ जाएगा ये बच्चा, तो ऐसी सी आईज है, तो आप कहीं से ऑनेस्टी शो ही नहीं कर रहे अपनी आईज से और आप ऑनेस्ट शो कर रहे हो। आप लेट पहुंचे और आप बोलते हैं पंक्चुअल हूं मैम, बस मैं आज ही लेट हुआ हूं, तो इट लुक्स बैड। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ वही शो करनी है जो वाकई में लगे कि हाँ आपके अंदर वाकई में चीज है, क्योंकि ड्यूरिंग एन इंटरव्यू इंटरव्यूअर आपसे बहुत से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जरूर पुट अप करेगा जहां पर वो ये आपको सिचुएशनल बेस्ड बातें बोलेगा और उस समय वो जज कर लेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या, राइट। अब पैटर्न आता है आपकी वीकनेस का। तो देखिए हमारी जो वीकनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि ड्यूरिंग एन इंटरव्यू हमें अपनी वीकनेस को एक लिमिट तक रखना है। देखिए एक बड़ी वीकनेस जो हर इंसान में ज्यादातर होती है वो आती है गुस्सा जल्दी आना या फिर इंपेशेंस हो जाना किसी बात के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट ये दो बातें कभी ना बताएं, ना तो आप बोले कि मैं बहुत जल्दी इंपेशेंट हो जाता हूं या फिर ना बोले आप मैं बहुत जल्दी गुस्सा आता हूं। आप अपनी वीकनेस को बहुत सोबर रखो, बहुत ही डिसेंट रखो और ऐसा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट रखो जो इंप्रूव भी किया जा सके इजीली। फॉर एग्जांपल आपको अगर वो बोलते हैं व्हाट इज योर एरिया ऑफ वीकनेस, तो आपने वीकनेस वर्ड ही मत दो, कह सर आई डोंट थिंक इट्स माय वीकनेस, इट्स माय एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट बिकॉज प्रेजेंटली आई एम वर्किंग अपॉन इट एंड इट इज पर्टिकुलरली माय फ्लुएंसी, इंग्लिश फ्लुएंसी और ग्रामर और व्हाटएवर हैंडराइटिंग व्हाटएवर यू से, बट इट शुड बी इन अ माइनर पोज, बहुत ही माइनर में होनी चाहिए। जितना आप माइनर रखोगे उतनी जल्दी आप उसको कवर अप कर पाओगे। कई बार वो आपको बोल देते हैं स्ट्रेंथ्स में कि आप प्रूव करो अपनी स्ट्रेंथ्स, तो आपके पास एक अच्छा लाइव एग्जांपल होना चाहिए। उसी तरीके से जब वीकनेस की बात आती है तो वो ये बोल देते हैं आपको कि ड्यूरिंग एन वीकनेस, चलिए मान लीजिए हम में आप में ये है कि आपकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, आपकी ग्रामेटिकल एरर है, जो भी आप वीकनेस बताते हो, आप उसके लिए कर क्या रहे हो, तो आपके पास कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए कि मैं इन दिनों सर ये कर रहा हूं मेरी वीकनेसेस को हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए। तो वो कहेगा ओके वेरी गुड, दैट्स वंडरफुल दैट यू आर हैविंग गुड एक्सपीरियंस एंड यू आर वर्किंग अपॉन दिस, तो इंटरव्यूअर इस बात से अच्छा फील करता है। अब कभी कभी क्या होगा, इंटरव्यूअर को आपको अपने आईज से ही एक्सप्रेस करना है कि मैं एक बहुत ही डिसेंट पर्सन हूं और मैं मेरे अंदर बहुत सैक्रामेंट्स है। आप सैक्रामेंट समझते होंगे स्टूडेंट, दैट इज योर संस्कार। तो देखिए जब आप इस तरीके की आईज रखते हो, जैसे मान लीजिए कोई इंटरव्यू ने आपको बात बोली, वो कुछ पूछ रहा है आपसे, उस दौरान आपका कैसा पोस्चर रखना चाहिए। चलिए मैं एक लाइव एग्जांपल के साथ देखता हूं। मैं मेरे इंटरव्यूअर्स को बोलता हूं कि मुझसे आप ये पूछें कि व्हाट इज योर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ लाइफ, तो उस क्वेश्चन के दौरान मेरी आईज कैसे रहेगी ये मैं मेरे व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा। तो प्लीज आप ये क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं मुझसे, जी मैम। तो आइदर आई कैन स्पीक जी मैम और आई कैन स्पीक यस मैम, आई कैन स्पीक एनीथिंग बट इट शुड बी इन अ डिसेंट मैनर। जब वो बोल रही है तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि मेरी नॉडिंग हुई थी, थोड़ी सी मैंने थोड़ा सा बात को नॉड किया था। इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग था कि मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ रहा हूं, अब मैं इस बात का जवाब दूंगा। तो देखिए गलत क्या है, गलत मैं आपको दिखाता हूं। आप एक बार मुझसे यही क्वेश्चन आप दोबारा पूछिए, तो देखिए आपने नोटिस किया मैंने अपने आपको डोमिनेंट पर्सनालिटी दिखाई कि इनका मैंने आंसर होने ही नहीं दिया और उससे पहले मैंने क्या किया, अपने इसका क्वेश्चन हुआ नहीं उससे पहले मैंने अपने आंसर को स्टार्ट कर दिया, तो वो भी एक गलत हुई है। जब कभी ये क्वेश्चन पुट अप करें तो उसमें 2-3 सेकंड्स की गैपिंग जरूर होनी चाहिए, वो और रेस्पेक्ट शो करता है। लेट अस सी अगेन, प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन अगेन। टेल मी अबाउट योर 5 ईयर प्लान मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो मैंने इतना गैप दे दिया, उसके बाद मैं जो भी बोल रहा हूं अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ लाइक टू थैंक First, I would like to work this organization as an executive post. I want to touch every letter of success in a short span of a year or two, and I will work here since with 100% sincerity and honesty. Whatever you speak is right, but you should take time to speak. Don't blurt out all the things very early. मैं इस समय स्पीड में इसलिए बोलता हूँ ताकि कम समय में आपको ज़्यादा सिखा सकूँ। But during interviews आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है जवाब देते समय। तो देखिए नॉडिंग बहुत जरूरी है, तो जब आप नोट करोगे बात को अच्छा, वो कोई स्माइलिंग बात करते हैं, कोई आपको हंसाने वाली बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सफर अच्छा रहा गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ आपको, जी मैम कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है न्यू, तो सारा खत्म कर दोगे आप इंटरव्यू, इतनी सी बात नहीं आप खत्म कर दो। तो इट्स ऑन यू कि आप किस तरीके की बात इंटरव्यूअर को कहते हो। देखो इंटरव्यूअर आपको बहुत तरीके से जज करता है, ऐसा नहीं कि इंटरव्यूअर आपको सिर्फ आपके क्वेश्चनिंग से जज कर रहा है, वो आपका बिहेवियर भी देखेगा, वो आपका वे भी देखेगा, आपसे अलग बातें भी करेगा। इवन आपको बोलेगा आप मैरिड हो क्या, आप बोलोगे नहीं मैं मैरिड नहीं हूं, अच्छा तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी यार, तो अब इस तरीके की बात इंटरव्यूअर आपको बोल रहा है, यानी कि वो हंसते हुए बोल रहा है और आप अपना मुंह बना रहे हो नहीं है, सारा खत्म कर लोगे अपना इंटरव्यू, क्योंकि आप जैसी पर्सनालिटी का अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर कोई हो तो आप हाईलाइट करते हो थोड़ा सा, तो कोई गलत नहीं है उस समय, क्योंकि कौन सा कोई पेरेंट्स इंटरव्यू ले रहे हैं सबसे पहली बात, राइट। तो आप इस बात का ध्यान रखो, आप कुछ भी बोलो मगर स्माइलिंग फेस से बोलो, नहीं है तो भी आप थोड़ा उसको डिजाइन करो अच्छे से कि मैम अभी तो नहीं है, ऐसा अच्छा लगेगा, मगर आप बोलते हो नहीं है तो वो बुरा लगेगा, राइट।
तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरव्यू को कैसे इंप्रेस करना है। अगर है तो ये समय है तो आपको वे आपका जो वे है वही इंप्रेस करेगा इंटरव्यू को। इंटरव्यू आपको कभी कभी सीरियस क्वेश्चन भी पूछेगा, कभी कभी आपसे रैंडम क्वेश्चन भी पूछेगा। उस समय आप अपनी स्पीड बढ़ा लो, फटाफट फटाफट अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका भी काम है फटाफट फटाफट आंसर देने का। अगर वो आपसे धीरे धीरे क्वेश्चन पूछ रहे तो आप स्लो पैटर्न बना लो अपना। अब बात आती है पैटर्न की, तो देखिए इंटरव्यूअर आपसे जो भी पैटर्न में रहे उस पैटर्न में रहो और कुछ कुछ मिमिक करो। मिमिक का मतलब मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल ही एपिंग करो कि अगर इंटरव्यूअर को यहाँ खुजली हुई तो आप भी खुजली कर लो, और इंटरव्यूअर को यहाँ कुछ बालों को सेट किया तो आप भी ऐसे बालों को सेट कर लो, ऐसा मैं मिमिक नहीं कहूंगा। मगर कुछ अपने आप को वैसा बना लो। बनाने का मीनिंग आप ये देखो कि वो उनका नेचर कैसा सा है। अगर उनका नेचर इन्वॉल्विंग है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं, अच्छा आपका नाम ले रहे हैं बार बार, जैसे मेरा नाम मनोज कुमार है तो वो बोलते हैं मनोज कुमार शर्मा वेलकम, कैसे हो आप, आपका सफर कैसा सर, अच्छा रहा सर। तो जब आप बात कर रहे हैं अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा मेरा सर, ओवरऑल माय सब दिस ट्रैवलिंग वाज वेरी नाइस, तो वो बड़ा अच्छा फील करेंगे। बट अगर आप बोलते हो हाँ ठीक रहा सर, ये इंटरव्यू की क्वेश्चन नहीं है, आप इस बात को भी ध्यान रखो। इंटरव्यू आपको रिलैक्स करने के लिए पूछ रहा है, कभी कभी इंटरव्यू आपको बोल देता है यार सफर कैसा रहा, तो इतना जवाब बहुत है कि सर मेरा सफर अच्छा रहा या फिर सर इट वॉज नाइस, दैट्स इनफ। मगर आप कई बार इसको इंटरव्यू का क्वेश्चन ले लेते हो, आपसे बोलते हैं मौसम कैसा है, आपको लगता है यार ये बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर मौसम तो गर्मी बढ़ती जा रही है सर, ग्लेशियर पिघल रही है और सर आप देख रहे हो ओजोन लेयर वगैरह कट रही है, ऑस्ट्रेलिया में तो कट भी चुकी है और सर ग्लेशियर पिघल रही है, गंगा खत्म होती जा रही है, आप सारा ग्लोबल वार्मिंग चैप्टर ही आपने बता दिया, क्योंकि आप सेलेक्ट होने चाहते, तो ये गलत है। वो आपको रिलैक्स करने के लिए क्वेश्चंस पुट अप करता है, आप कैसे हो, कैसा सफर है, क्या कर रहे हो, कैसे आ गए आराम से, आपने पानी वानी पिया, ठीक है। अब आप बैठते हैं, अब बैठने के दौरान इंटरव्यू बड़ा ट्रिकी होता है, वो कभी कभी क्या इधर ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखता है और कभी कभी आपको पेश करते हैं, तो उस समय क्या करें आप, सबसे पहले तो कोशिश ये कीजिए कि पानी कॉफी चाय ड्राई फ्रूट आप कुछ भी ना लें, आप सॉफ्ट थैंक्स बोलकर चुप हो जाए। कई बार देखो आपको प्रेशराइज करेगा कि प्लीज आप ले लो कुछ तो, ले लो कुछ तो खा लो, तो देखिए मैं आपके लिए कॉफी वगैरह लिए क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता कॉफी के कप को पकड़ना कैसे है, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता उन्हें एक सिप लेने के बाद कप को कहाँ रखना है, कई लोग यहाँ लगते गले के पास, कई लोग इधर साइड में ले लेंगे, कहीं नीचे रख देंगे फिर उसको उठा लेंगे, फिर झुक के उठाएंगे, फिर उसको कहेंगे सर ये देखना ये रहना, तो इतना बुरा मत करना कम से कम आप इंटरव्यू में। तो अब मान लीजिए आपने कॉफी का कप उठाया, उसको पैटर्न आपका पसंद नहीं आया, तो आप प्लीज उसको अवॉइड कीजिए जितना उसके अवॉइड कीजिए। अब मान लीजिए खाने के लिए कई बार वो प्रेशराइज आपको जबरदस्ती कर देते हैं, वो आपको कहते हैं प्लीज है कुछ तो लो थोड़ा सा तो लो। अब मान लीजिए उसने आपको कुछ दे ही दिया, तो मेरी एक स्टूडेंट थी, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू से पूछा गया कि भाई आप ये लेना पसंद करेंगे, उसका शायद कैनरा बैंक का इंटरव्यू था और शी वॉज हर नेम वॉज करुणा, तो ड्यूरिंग एन इंटरव्यू उसको बोला कि आप ये वॉलेट लीजिए प्लीज, तो उसने वॉलेट लिया और अपने मुंह के अंदर रखा, उसने रखा ही था इतने में इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछ लिया, आपको क्या लगता है ये सही है? अब वो बेचारी क्या बोले, क्योंकि यहाँ पर वॉलेट और सामने इंटरव्यू ने क्वेश्चन पुट अप कर दिया, तो मैंने उसको बोला मैंने कहा तुमने क्या किया, कहते सर मैंने वही किया जो आपने मुझे समझाया था, मैंने जस्ट उनसे 3 सेकंड्स मांगे, मैंने कहा सर प्लीज लेट मी कंप्लीट आई विल डेफिनेटली आंसर यू, वो कहते ओ श्योर 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 श्योर, उन्हें पता थी ये बात मगर उन्होंने जान करके ये पूछा उनसे। तो ये इंटरव्यू का ट्रिकीनेस होता है कि वो देखता है कि ना ये कैसे बात करता है। अब कई लोग होते हैं तो जवाब देना सर मैम ऐसे जवाब देते, तो ऐसे जवाब नहीं देना, आप आराम से रिलैक्स होकर खा लो उसको मुंह बंद करके आराम से, उसके बाद आप अपनी बात को शुरू करो। पर जब बात शुरू करो तो वो बात बहुत अच्छे वे में होनी चाहिए। तो इंटरव्यू की मर्जी होती है कि वो आपसे गुस्से में बात करता है कैसे बात, कभी कभी वो आपको चेक करने के लिए नए नए पैटर्न अपनाता है, मैंने कई बार वॉल का एग्जांपल दिया है, कई बार वो बोलता है पीछे जो वॉल है वो कौन से कलर की है, तो हमेशा ये बात तभी सत्य होगी जब सामने वाली वॉल का कलर जो भी हो वही वॉल सेम हो, अगर डिफरेंट है तो वो कभी नहीं पूछेगा, वो कभी ये नहीं चाहता कि आप टर्न अप होकर आंसरिंग दो, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। अब मान लीजिए बात आती है कि हमारे फिनिशिंग की, जब हम फिनिशिंग टच दे रहे हैं हमारे इंटरव्यू को, तो इंटरव्यू आपको हिंट देता है, इंटरव्यू आपको बोलता है यार तुम्हें क्या लगता है मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि आपका लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि व्हेन शुड आई जॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबल डेट यू वुड लाइक टू, मतलब आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बात बोलनी है, ऐसे नहीं सर लास्ट क्वेश्चन सर आपने मेरी परिवार के बारे में नहीं पूछा सर मैं बताऊं सर, तो ऐसी बातें नहीं करनी, आपको एक ऑप्टिमिस्टिक बात करनी है उसके साथ। इवन वो आपको बोलता है यार तुमने कहा था तुम एक जॉबियल पर्सन हो, एक चुटकुला सुनाओ, तो एक अच्छा बढ़िया साफ सुथरा चुटकुला आपके पास होना चाहिए ताकि इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो, मगर जैसे ही फर्स्ट सुनने में वो हंसने लगे और आप बोलो सर एक और सुनाओ, ऐसा मत करो, राइट। तो आप इस बात का ध्यान रखो कि इंटरव्यूअर को आपको विन करना है, तो उसको विन करना है अपने बिहेवियर से नेचर से, ना कि मेन नॉलेज से, नॉलेज इज सेपरेट थिंग, पर नॉलेज के अंदर आपको उसे कॉम्पीट नहीं करना कि सर मुझे ये मालूम है आपको नहीं मालूम मुझे ये बात मालूम, आप उस समय विन कर लोगे मगर इंटरव्यू हार जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। लेट अस कम बैक ऑन आवर फिनिशिंग टच, जब आपको इंटरव्यूअर फिनिशिंग टच देता है वो आपको बोलेगा ओके सो डियर, तो अब हम आपसे सेटिस्फाइड हुए और आपने बहुत अच्छी आंसरिंग करी, नाउ यू कैन गो।
अब जब उसने आपको बोल दिया नाउ यू कैन गो, उसके बाद आप कुछ भी बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो आपको मौका देता है, यू वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं सर क्या स्ट्रेटेजीज होती है, क्या क्या पॉलिसीज होती है जिसके अंदर मैं अपनी पर्टिकुलर प्रोफाइल को बहुत अच्छे से कर सकूं, या फिर अपनी जॉब प्रोफाइल को बहुत अच्छे से निभा सकूं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज मुझे अपनानी चाहिए, कुछ सर कुछ ऐसी पर्टिकुलर एक्टिविटी जो मुझे पहले से तैयार रखनी चाहिए, कुछ ऐसी स्ट्रेंथ्स मुझे अपने अंदर डेवलप करनी है ताकि इस कंपनी के अंदर मैं प्रॉस्पर कर सकूं, ऐसी बातें आप पूछ सकते हो। मगर जब आपको नहीं कह रहा तो आप बिल्कुल चुप हो जाओ, और उसके बाद चाहे आपके पास कितना भी अच्छा आइडिया है आप अपने तक सीमित रखो। कभी कभी इंट्रोडक्शन देते समय आपको बीच में क्रॉस कर देगा, आपको हो मेरे पास तो बहुत अच्छा आंसर था, मुझे तो बहुत बातें बतानी थी, कोई बात नहीं आपने इंटरव्यू के लेटर पार्ट के अंदर बताओ उस बात को, मगर वहां मत बताओ। अब मैं आपसे बात करता हूं कि हम जब वे कि हमें वापस कैसे जाना चाहिए। देखिए इंटरव्यूअर ने आपको बोल दिया थैंक यू नाउ यू कैन गो, तो कई बच्चों को डॉक्यूमेंट्स पकड़ाने का तरीका नहीं पता होता, वो ये बोलते मैडम लो बोलो देख लो, तो ऐसा नहीं करना राइट। आपको क्या करना है, आपकी जो फाइल है आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पड़े हैं। देखिए गवर्नमेंट जॉब के अंदर तो बार ही आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाते हैं, मगर बॉसी जॉब ऐसी है जिसके अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं। अब मान लीजिए जैसे इन्होंने बोला कि मैं आपके डॉक्यूमेंट्स देखना चाहती हूँ, तो शी इज एन इंटरव्यूअर आई हैव टू रेस्पेक्ट हर, तो मेरा फर्ज है कि मैं इनको ज्यादा रेस्पेक्ट शो करूं और अपनी फाइलिंग को ऐसे खोलूं और पूरा इस तरीके से आप हमेशा जो चेन वाली फाइल होती है आप खोल के जाइए उसको, लैप में गिरेंगे नहीं आपके पेजेस, और उसके बाद आप अपनी फाइलिंग ऐसे रखिए और फिर मैडम को दीजिए, मैडम प्लीज ये दिस इज द बेस्ट वे कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपने खुद ने खोल के पकड़ाए, ना कि ऐसा हो कि हम उन्हें बोले लो मैडम खोलो, और वन एंड से तो कभी देना ही नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए जब आप कोई चीज उन्हें पकड़ा रहे हैं तो हमेशा इट शुड बी विद टू हैंड्स, तो आप दोनों हाथों से उन्हें दीजिएगा। अच्छा, जब वो वापस देते तो आप वापस उस पैटर्न के अंदर रख लीजिए। तो आई होप दैट माई व्यूअर्स हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, तो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, और कंक्लूड के अंदर मैं ये सिखाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि वापस जाने का क्या वे होता है जिससे हम अपनी और डिसेंसी शो कर सकते हैं ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। तो देखिए जब हमें वापस कर जाने का पैटर्न आना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें उन्हें थैंक्स बोलना है, चाहे हमें थैंक्स दो बार बोलना पड़े, चाहे हमें जब बैठ रहे हैं तभी भी हम उन्हें थैंक्स बोल सकते हैं, बैठने के बाद भी थैंक्स बोल सकते हैं। ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है कि आपने पहले उनके, जैसे कई बार क्या होता है वो बोलते हैं हैव योर सीट, तो आप बोलेंगे थैंक यू मैम, जैसे आप मुझसे एक बार बोल के देखिए, जैसे मैं आपको विश करूंगा आप मुझे बोलना हैव योर सीट, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम। अब मैंने देखिए थैंक यू बोल दिया है, पर फिर भी देखो मुझे दोबारे थैंक यू मैम, अब देखिए मैंने फिर थैंक्स बोल दिया, तो कोई बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है कोई गोल्डन रूल कि आपने एक बार ही बोलना है दूसरी बार आपने क्यों बोल दिया, इट इज नॉट अ रूल। आप तीन बार बोल दीजिए तो भी कोई बुरा नहीं लगेगा, पर आपका बोलने का वे ऐसा होना चाहिए कि आप वाकई में एक डिसेंट पर्सन हो और आपका जो पैटर्न चल रहा है वे चल रहा है वो उनके अकॉर्डिंग चल रहा है और वो इस बात से खुश है। अब देखिए जब वो जाने के लिए आपको बोल देगी नाउ यू कैन गो, ओके, तो उस दौरान आप ध्यान रखिए कि आपको कुछ भी नहीं करना, इंटरव्यूअर कुछ भी कर सकता है, इंटरव्यूअर आपको हैंडशेक भी दे सकता है, इंटरव्यूअर आपको कह सकता है नाउ यू कैन गो। अब मान लीजिए इंटरव्यूअर आपको लास्ट में हैंडशेक करता है, और ऑब्वियस है कि इन तीनों में से हेड अगर सीनियर है तो सीनियर ही आपको हाथ देंगे राइट। तो अगर आप मुझे हैंडशेक करते तो मेरा क्या फर्ज है, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, इस तरीके से, तो आपको क्या किया आपने, आपने हल्का सा अपना सर झुकाया, हल्की सी स्माइल दी और उनको बोला थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, राइट फ्रेंड्स। अब देखिए जब आपका पैटर्न है जाने का तो आप हमेशा वापस की तरह ही खड़े हुई है, अच्छे से स्ट्रेट आइए इधर, अपनी चेयर को वापस रखिए और बहुत अच्छे से तहजीब से इस चेयर को ऐसे जब आप रख रहे हो उस चेयर को, उस दौरान उनकी अटेंशन यहां मत जाने दो, उनकी अटेंशन जाने दो विशिंग में, थैंक यू मैम आपने यहां रख दिया चेयर राइट। तो आपने क्या करना है, जब आप खड़े होते हो उस दौरान आप हमेशा हाथ यहां रखोगे, अपनी चेयर को सेट करोगे और उन्हें थैंक्स दोगे, वो बोलेंगे ओके नाउ यू कैन गो व्हाटएवर, ओके देन यू विल टेक योर शिफ्ट एंड यू विल गो। अब देखो इसके अंदर जो पर्टिकुलर जो जेस्चर्स पोस्चर्स हमारी जो बॉडी लैंग्वेज हमारा जो आई कॉन्टेक्ट था वही हमारा सिलेक्शन करवाता है। अगर कोई बच्चा कहता है सर क्या मैं बहुत अच्छी आंसरिंग याद कर जाऊं और मेरा सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपका नेचर आपका बिहेवियर आपको वो कई बार गुस्सा भी दिलाएंगे। एक मेरे स्टूडेंट था यू आज कि यार तुम ये शक्ल से अच्छे नहीं लगे, मैं क्या करूँ यार, तो उसने बोला नहीं सर मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है, धीरे धीरे आपको मेरी शक्ल भी पसंद आ जाएगी, आप मुझे लेकर तो देखो सर, तो उसने कुछ ना कुछ उसको स्माइलिंग वे में ही बोला। तो इंटरव्यू बड़ा ट्रिकी है, वो बड़े नए नए तरीके से अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चंस पुट अप करता है, हो सकता है आपको अभी ना मालूम हो मगर बाद में धीरे 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 और हमारे पुराने वीडियोस जब आप देखते जाओगे इंटरव्यूज के तो आपको बहुत सी ट्रिक्स ऐसी मिल जाएगी कि व्हाटएवर इंटरव्यू यू आर गोइंग यू विल डेफिनेटली एबल टू फेस इट, एंड आई बिलीव
the people those are preparing for any type of interview, whatever they may be teacher interview, they may be going for RAS, RGS, or they may be going for banks interviews. For everybody, this pattern is very very applicable. और हमने जहाँ भी देखा है, such interviews are being taken by the interviewer and it is in our hands. हमारे हाथों में है कि हम अपना selection किस तरीके से करवाते हैं. हमेशा आप जो बात करें वो उनके मोड में कीजिए. अब ये नोटिस करो कि इंटरव्यूअर क्या चाहता है. अगर इंटरव्यूअर मुझसे ज्यादा चाहता है तो मैं ज्यादा बोलूं, अगर वो कम चाहता है तो मैं कम बोलूं. आपका जो पेस है वो उसके अकॉर्डिंग रखो. अगर आपको लग रहा है मेरी वॉइस स्लो आ रही है, थोड़े से वॉइस को बढ़ा दो. उन्होंने अगर एक बार आपको बोल दिया अपनी वॉइस को बढ़ा दो, तो आपका फर्ज है कि वॉइस को आप बढ़ा दो. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड आई होप दिस वीडियो वुड बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज. थैंक यू.